अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो कुछ दिन से मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था कि मेरी तबीयत खराब थी, और आज तो है ईद का मौका। अचानक से रात को चांद रात हो गई, तबीयत खराब थी मेरी, जुकाम बुखार थोड़ा सा वो हुआ था, गला खराब था। तो मैंने कहा चलो आज ईद डे का व्लॉग जरूर बनाते हैं हम। और आवाज़ मेरी खराब हुई पड़ी है जुकाम की वजह से, ये तो होता ही है क्योंकि कभी ना कभी रमज़ान में आप बहुत सारे मशरूबात पीते हैं और तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हो जाता है। तो आज सुबह अभी अभी हमने नमाज़ पढ़ी है ईद की, और हम ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उठते के साथ ही। उसके बाद मैंने कहा चलो आपको अपनी ड्रेसिंग दिखाएं, और शाहजहान की ड्रेसिंग दिखाएं। ये है जी शाहजहान की ड्रेसिंग, और ये है जी मेरी ड्रेसिंग। तो आज की ड्रेसिंग हमारी ये थी, और आज का दिन हम इंजॉय करेंगे। अभी हमने ससुराल भी जाना क्योंकि ससुराल डे भी होता है, और अभी बाकियों से ईद भी मिलनी है, सारे लोगों से ईद मिलनी है, फिर ईद मनाने जाना है, फिर शाम को कहीं निकलना है, कहीं ना कहीं निकलेंगे, फिर आपको वीडियो दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी ईद इकट्ठी होगी, बहुत सारी ईद पार्टी भी है बर्थडे के भी, और इकट्ठी भी करेंगे। ईद तो वैसे बच्चों की होती है और औरतों की होती है, लड़कियों की होती है, मर्दों की क्या ईद, मर्द बेचारे बांट बांट के थक जाते हैं। तो शाहजहान को मिलनी है ईदी, शाहजहान बहुत खुश है, और मुझे ईदी तो खैर मिलती नहीं है, अब मैंने देनी है, और बच्चों को मिलनी है ईदी। एरा अभी जो है ऊपर गई हुई है, और एरा दादा के पास है, वो भागी फिर रही है, तो उसकी ड्रेसिंग भी दिखाते हैं आपको अभी। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर आपको थोड़ा आज शाम की रूटीन दिखाते हैं। तो मैं दोबारा वापस आया हूँ, और आपको एक चीज़ दिखानी है। जैसे आप देख सकते हैं कि बंड हो गया, बंड ये हुआ है कि सालन उठा के रख रहे थे, और सालन नए कपड़ों में गिर गया, और ये सूट दिया था हमारे ससुराल वालों ने। और ईद, वो हाँ दूसरा बंड ये हुआ कि आप लोगों को ईद मुबारक कहना भूल गया था। तो ईद मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक, होप आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए ईद, और आने वाली सारी खुशियाँ आपको नसीब हों। तो आप देख सकते हैं एक ये दाग लगा है, और एक यहाँ दाग लगा है जो आपको शायद नज़र आए या ना आए, ये वाला। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। तो ये ड्रेस अभी हम चेंज करते हैं और आपको मिलते हैं, एक सेकंड में चुटकी बजा के चेंज करते हैं और आपको मिलते हैं, और फिर एरा की ड्रेसिंग भी दिखाते हैं। तो ये है जी हमारी ड्रेसिंग, और हमने चेंज कर ली है, अब ये पहनेंगे हम। ये है हमारे नए कपड़े, और कॉपीराइट ना लग जाए टीवी के पीछे कोई चीज़ चल ना रही हो। तो अभी कहीं निकलेंगे, अगर प्लान बना तो आपको दिखाएंगे, अभी तो फिलहाल लेटेंगे बैठेंगे रश करेंगे, और भंड जो मारा उसको सेट करेंगे। शाम हो गई है और हम घर ही हैं, और कहीं नहीं निकले, और कपड़े चेंज कर लिए, अब जा रहे हैं हम, थोड़ी सी मेडिसिन लेंगे। और आज ईद फर्स्ट डे हमने ऐसे गुजारा, बोरियत से भरा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहे, बस ससुराल चक्कर लगाया था, खाना छाना उधर था, खाया, उन सबको मिला, ईद भी, ईद बाटी, और वहाँ भाई को आपके जो है ना 1900 रुपये ईद भी हुई है, ईद भी इकट्ठी की है, और 1900 रुपये ईद इकट्ठी करके आ गए। बस आज के शॉर्ट हैंड व्लॉग बनाते हैं, एरा की आपको तस्वीर लगा दूंगा, एरा हद नहीं चढ़ी, वो चली गई है, वो माशा घूमने चली गई है, हमारे हद चढ़ी नहीं है वो, एरा की तस्वीर लगा दूंगा। और अपना जो है आज का सीन यही है कि चेंज करके हम अब जा रहे हैं, दवाई लेते हैं और वापस आके सो जाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो आज तक का व्लॉग यही था, फिर से आपको ईद मुबारक कहूँगा, होप आपको आपका ईद का दिन अच्छा गुजरा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल को देखा करें यार, कुछ तो सपोर्ट लाइक करें। चले ओके, अल्लाह हाफ़िज़।